और दानापुर से बड़ी खबर है, जहां चाकू मारकर प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई है। रोशन कुमार और प्रतिमा कुमारी की हत्या की गई है। बेटा के कुजवा गांव में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। दानापुर से ये बड़ी खबर, जहां चाकू मारकर प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई है। रोशन कुमार और प्रतिमा कुमारी जिनकी हत्या की गई है, बेटा के कुजवा गांव में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो चाकू मारकर प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई है। रोशन और प्रतिमा नाम बताया जा रहा है। अमरजीत शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमरजीत, क्या पूरा विवाद सामने आया जिसमें हत्याकांड को अंजाम दिया गया? जी देखिए, इसमें प्रेम विवाद जो है समझ में आ रहा है, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि इसमें हत्या करने वाला युवक जो है वो प्रतिमा कुमारी का भाई बताया जाता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे हैं उसके अनुसार बताया जाता है कि उसका भाई ही दोनों को देख लिया और एक साथ देखने पर दोनों की हत्या कर दी, और ये चाकू से गला रेत कर हत्या किया गया है। फिलहाल जो है आरोपी फरार है और पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है, एफएसएल टीम जांच करेगी, उसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। लेकिन ये घटना जिस तरह से हुई है, निर्मम तरीके से प्रतिमा कुमारी और उसके प्रेमी रोशन कुमार की हत्या कर दी गई है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि दोनों प्रेमी जोड़े थे और उनकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन फिलहाल जो पहला जो आ रहा है बात सामने, वो रोशन कुमार और प्रतिमा कुमारी के बीच में प्रेम संबंध था और इसकी जानकारी उसके भाई को हुआ था, और उसी के बाद जो है ये घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।